हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको लाल कलर सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना, उस पर क्लिक कीजिए। बाजू में जो बेल आइकन आता है उस पर भी क्लिक कीजिए ताकि मेरे सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास पहुँच पाए। वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट गर्ल महरीन। सो आज मैं आप ओके फ्रेंड्स, आज मैं हमारे वीडियो में विटामिन ई कैप्सूल हेयर सॉफ्ट एंड जेल्स के बारे में बात करने जा रही हूँ। तो आपको पता ही होगा कि हेयर सॉफ्ट एंड जेल होता है ना, ऐसे विटामिन ई कैप्सूल जो ग्रीन कलर में ईवीआर 400 आते हैं, वो विटामिन ई कैप्सूल्स नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हम इसको हेयर के लिए यूज़ करते हैं। वो ईवीआर 400 हम फेस के लिए, हेयर के लिए कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम इस विटामिन ई कैप्सूल्स को हम हेयर के लिए ही यूज़ करते हैं ताकि हमारा हेयर स्मूथ एंड शाइनी बन सके। और इसमें बहुत ही सारे कलर्स अवेलेबल होते हैं। पूरा इसका जो कलर, ऊपर का जो कलर है वही चेंज होता है, जो अंदर का जो लिक्विड होता है ना वो सेम ही रहता है। ऊपर के जो कलर्स वैरायटी वैरायटी में हमें मिल जाते हैं, जैसे कि येलो कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, पिंक कलर, तो बहुत ही सारे कलर्स है इसमें। तो हमको यहाँ पे प्रिकॉशंस भी इस डब्बे पे लिखा गया है कि डोंट रीच आउट ऑफ द चिल्ड्रन करके, तो बच्चों को ये कैप्सूल्स ना दिए, ये अच्छा नहीं है बच्चों के लिए। और इस पे आप प्राइस दे सकते हो, मुझे ये प्राइस पड़ा है पूरा डिब्बा 200 रुपीज़ मुझे प्राइस में मैंने लिया है इस डब्बे को। अगर आपको एक एक कैप्सूल अगर बाहर ले लेंगे तो एक एक कैप्सूल 5 रुपीज़ पड़ता है और इसमें सारे 60 कैप्सूल्स आ जाते हैं। तो 60 कैप्सूल्स मतलब, तो एक एक 5 रुपीज़ मतलब 60 कैप्सूल मतलब 300 हमें लगता है, बट पूरा डिब्बा ले लेंगे तो हमको 200 रुपीज़ में हमको 100 रुपीज़ बचत हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ना, एक एक कैप्सूल में आपको निकाल के दिखा रही हूँ और एक एक कैप्सूल ग्रेप के जैसा दिखता है, येलो ग्रेप्स होते हैं ना, तो ऐसे लगता है हमको। तो इस कैप्सूल से ना बहुत ही फ़ायदे हैं हम लोगों को। हम इस कैप्सूल्स को कहीं से भी हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब अगर आप हेयर मास्क लगा रहे हो तो हम हेयर मास्क में सारे इंग्रेडिएंट्स मिला लेने के बाद एक कैप्सूल को आप इसमें निचोड़ कर आप लगा सकते हो हेयर मास्क की तरह, आपके हेयर सॉफ्ट एंड शाइनी बन जाते हैं। और आप हेयर ऑयल में भी मिलाकर लगा सकते हो। हेयर ऑयल अगर आप लगाते वक्त आप एक विटामिन ई कैप्सूल हेयर सॉफ्ट एंड जेल को आप ले लो और उसको उसमें आप इस लिक्विड को डालकर आप हेयर ऑयल भी लगा सकते हो। अगर आप हेड बाथ करने जा रहे हो तो हेड बाथ के 5 मिनट्स या 10 मिनट्स के आगे अगर आपको स्प्रिटेंस है तो आपके स्प्रिटेंस पे भी हम ये लगा सकते हो ताकि हमारे हेयर स्प्रिटन से बचे, तो सॉफ्ट एंड स्मूथ भी बन जाते हैं हमारे हेयर। तो स्पेशली ये विटामिन ई कैप्सूल्स हेयर के लिए ही होते हैं। इस विटामिन ई कैप्सूल्स को यूज़ करने से हमारा हेयर जो ड्राई एंड फ्रिजी रहता है ना उससे बचता है, हमारा हेयर सॉफ्ट एंड शाइनी रहता है हर वक्त। तो इसका एक्सपायरी डेट तो कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, मतलब इस पे तो 2021 तक के लिखा है, बट मैंने 2018 में लिया है, बट ज़्यादा दिन तक ये चलते हैं, मतलब ज़्यादा एक्सपायर तो ये नहीं होते, मतलब 5-10 ईयर्स तक हमको ये अच्छे तरह से आ जाते हैं। आप अगर यूज़ करना चाहे तो मैं आपको यू ओपन करके इस विटामिन ई कैप्सूल को दिखाती हूँ कि कैसे यूज़ करना है, क्या है, मतलब आप देख सकते हो कैप्सूल्स। ओके फ्रेंड्स, अभी मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि इसमें लिक्विड कैसा दिखता है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर में दिखता है फ्रेंड्स हमको ए लिक्विड। बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, जस्ट ऑयल की तरह होता है, जैसे कि कोकोनट ऑयल होता है ना, तो वैसे ही होता है। इसका फ्रेग्रेंस भी कुछ भी पता नहीं चल रहा है, जस्ट ऐसा ही फ्रेग्रेंस है। तो यही है मेरा रिव्यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय फ्रेंड्स।